नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। वंशीधर नगर पुलिस अधीक्षक शिवानी तिवारी, गुप्त सूचना मिली थी कि नगर उंटारी में प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार होता है, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी निरंजन कुमार एवं अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्ष डॉक्टर सुचित्रा कुमारी ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को मेन रोड चेचरिया से एक बोलेरो से प्रतिबंधित एक पेटी दवा को जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने दावे के साथ बोलेरो एवं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर निवासी गुल्लू यादव को भी हिरासत में लिया गया। थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि गुल्लू यादव पूछताछ के दौरान बताया कि पंकज कुमार गुप्ता के साथ अंबिकापुर से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों अपना मेडिकल एजेंसी से बरामद खरीद कर ले जाते थे। गुल्लू यादव ने बताया कि हम लोग दवा लेने के लिए नगर उंटारी आए थे। हम लोग बोलेरो में एक कार्टून दवा रखे, तब तक पुलिस आ गई और मुझे अपने हिरासत में ले लिया और पंकज कुमार गुप्ता जो अंबिकापुर का निवासी है वह भागने में सफल रहा। इस संबंध में थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि वंशीधर नगर के युवाओं द्वारा नशीली दवाओं का भारी मात्रा में सेवन किए जाने की गुप्त सूचना मिल रही थी। पेटी की जांच के दौरान उसमें नशीली प्रतिबंधित दवा कोडेक्स 100, एल्प्रोक्स 1 बॉक्स एवं स्पास्मोप्रोक्सेवन प्लस 3 बॉक्स बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान गुल्लू यादव ने उक्त दवा का कोई कागजात नहीं दिखा सका। अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर सुचित्रा कुमारी ने बताया कि जब्त की गई सभी दवा प्रतिबंधित हैं। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी जांच कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। छापेमारी टीम में अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुचित्रा कुमारी, थाना प्रभारी निरंजन कुमार, शिबू सुरेन, प्रशिक्षु दरोगा राजेश मुंडा, जाहिद अंसारी, पंकज कुमार, विजय कुमार सहित पुलिस सशक्त बल के जवान भी शामिल थे। धन्यवाद।